टोटल हमें 15.5 लेना पड़ेगा, 15, ठीक है, यानी कि 59.5 हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा 59.5 होगा, और इसमें भी करेंगे 59.5, ठीक है। अब हमको तो ये तो और एक मेजरमेंट उन्होंने नहीं दिया है हमें, जिसका देख रहे हैं हम, शोल्डर का मेजरमेंट उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। तो शोल्डर का श्वेता जी, आपने शोल्डर का मेजरमेंट हमें नहीं दिया है, तो इसलिए मैं अपने मेमोरी से थोड़ा सा आइडिया करके कर रहा हूँ। सपोज आपका 14 इंच, ठीक है, आपका शोल्डर 14 इंच, ये समझ के मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। तो देखिए 14 इंच से शोल्डर का क्या फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड। तो हम इसका शोल्डर हम लेंगे, आप लोग जो हमारा सीक्रेट फार्मूला था उसे चले जाइए और याद कीजिए वो, उसमें जो 32 साइज का जो ब्लाउज होता है ना, वो पहले आपको एक बात बता दूं मैं। तो ये देखिए उनका नॉर्मल बस्ट है 42, और यह हाई बस्ट है 37, यानी कि 5 इंच थोड़ा सा ज्यादा गैपिंग है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसका जो हम क्या होता है, जब बाटी बटल और एस जब कटेंगे, हम थोड़ा सा बड़ा करके कटेंगे, ठीक है, यानी कि 34 का हम ये उनका बाटी बटल कटेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग स्टाइल है, कैसे हमें समझ गया ये, उन्होंने तो रहा हैदराबाद से हमें मेजरमेंट दे दिया। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को सिखा दिया, जैसे कि हाई बस से नॉर्मल बस का गैपिंग ज्यादा अगर हो तो आपको फ्रंट का बाटी को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि उसके बाद जो साइज होता है ना, उस साइज का बाटी हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो हम बनाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को दिखाएंगे। और मैं ये बात आप लोगों को सभी समझा कर मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड, ये उनको लिए रिक्वेस्ट तो मैं कर रहा हूँ फ्रेंड, तो आप सभी के लिए ये रिक्वेस्ट बहुत बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा ये, ठीक है। तो कटोरी में हम इसे दिखाएंगे, उन्होंने कटोरी रिक्वेस्ट किया है। और शोल्डर हम करेंगे 32 साइज का, क्या होता है जो 5.5 होता है, ठीक है, हम 5.5 करेंगे, यानी कि 5.5 करेंगे। तो ये 5.5 मैंने क्यों किया फ्रेंड, तो एक फ्रेंड हमें तो जो फार्मूला मालूम है, जो 32 साइज का शोल्डर कितना होता है, आपका शोल्डर जितना ही हो, यानी कि आपका शोल्डर 15 इंच हो, 14 इंच हो, जितना ही हो ना, हमें 5.5 करना है, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है फ्रेंड, ये देखिए हमने ये डिजाइन वाला जो कर रहा है स्टाइल को, जिस स्टाइल को कर रहा है हमें, इनसे क्या करना पड़ेगा हमें, तो देखिए मैं ये 5.5 नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा फ्रेंड, तो क्योंकि अब उनका अगर मैंने बैक वाला डीप अगर किया होता, ये देखिए ये बैक पार्ट है, ठीक है, ये हम बैक पार्ट, ये बैक पार्ट और ये फ्रंट। तो देखिए उनका जो बैक पार्ट है ना, वो कैमरा से ठीक करके मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, ये उनका जो बैक पार्ट है ना, ये बैक पार्ट तो ठीक है, मगर क्या है उसका नेक या से एक थोड़ा सा हुक लगाकर अटा हुआ है, और एयर गोला तरह दिखता है ऊपर का पोर्शन, एयर गोला। तब हमको क्या करने पड़ेगा फ्रेंड, उनका जो शोल्डर है, शोल्डर हम 5.5 नहीं लेंगे। तो क्यों नहीं लेंगे 5.5 पे, तो अगर हमने 5.5 ले लिया तो उसमें शोल्डर में अटक जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका शोल्डर में थोड़ा काम हो जाएगा, ब्लाउज अटक जाएगा, ये गले से नहीं घुसेगा ये, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से उनमें शोल्डर को देखना पड़ेगा, यानी कि मैंने देखा उसका शोल्डर 14 इंच। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें लिख के मैं कर रहा हूँ फ्रेंड, ये देखिए हाफ ऑफ शोल्डर, ठीक है, माइनस ऑफ हाफ इंच इक्वल टू क्या होता है, यानी कि उनका 14 इंच से हाफ क्या होता है 7 से माइनस हम हाफ करेंगे, यानी कि 6.5 एंड 6.5 होगा, और
उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाफ इंच हम सीम ले लेंगे। तो ये है फ्रेंड ग्रामेटिकल व्यापार। आप अगर हाफ अप शोल्डर समझे तो वो सेवन होगा, मगर ये मैंने जिस तरीके से सेवन किया है ये है फ्रेंड ग्रामेटिकल फॉर्मेट है। तो मैंने हाफ इंच माइनस क्यू किया है फ्रेंड। तो ये देखिए ईआर गला में क्या होता है, हम बैक नेक को थोड़ा सा हम डीप करते हैं, ठीक है। तो इस डीप के लिए उस डीप का जो पार्ट है ना वो इसी तरह से बाहर चला जाता है पहनने के बाद, तो हाफ इंच इधर उधर चला जाता है, इसलिए वो हाफ इंच अगर जाएगा तो आपका शोल्डर में फिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा कम लिया, ये जब पहनेंगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो श्वेता जी अपने आपको शोल्डर को जैसे मैंने डिज़ाइन किया उसी तरीके से आपको शोल्डर बताया, ठीक है, यानी कि सेवन बताया, सेवन करना है आपको, ठीक है। और ये हमें सेवन तक लेना है, ये है हमें सेवन, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमको तो उन्होंने जब ये नेक का मेज़रमेंट एक चाहिए हमें, तो उन्होंने नेक का मेज़रमेंट हमें नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं है, हम उसका नेक के मतलब नहीं है, हम उसका नेक क्या करते हैं सीन्स बनाते हैं, ठीक है, सीन्स बना देते हैं हम, ठीक है। यानी कि फुट का आपका 2.5 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, ठीक है। और हम बैक नेक को डिप कितना करते हैं, डेढ़ इंच करते हैं हम, ठीक है, यानी कि 1.5 इंच डेढ़ इंच करके इसी तरह का एक शेप दे देंगे हम, ठीक है। ध्यान से देखे फ्रेंड्स, सभी ने देखे इस मेजरमेंट को, मैंने ये ईयर गोला स्टाइल से, ये देखिए हमारा जो डिज़ाइन बैक पार्ट में, ये ऊपर में एक हुक सेट रहेगा इसमें, और बैक में इसी तरह खुला रहेगा, और फ्रंट में ऐसा दिखेगा ये पार्ट, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कर रहा हो, इसमें जो एयर गोला का जो होता है ना वो देर इन सबको नीचे में लेस करना पड़ेगा और इसी तरह शेप देना पड़ेगा, ठीक है। और उसे हम क्या करेंगे, हम बाद में आप लोगों को एक तरीका सिखाऊंगा मैं, और पहले मैं एक बैक पार्ट आपका काट, डिज़ाइन वगैरह आपका जो कोई भी अगर डिज़ाइन भी करे आप, बेसिक आपका चाहिए, अगर आपके पास बेसिक हो आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए हम बेसिक बना रहे हैं अभी, बाद में ये जो डिज़ाइन वाला आपने देख रहा है ना, ये डिज़ाइन सब हम बाद में कटेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसे हाफ इंच शेप लेना है नीचे, ठीक है। तो ये हाफ शेप क्यों लेंगे, आप लोग तो बोलिए जो आप लोग जो ब्लाउज देते हैं दिखाते हैं तब तो इस तरह शेप देते हैं। तो फ्रेंड मैंने आप लोगों को बता दिया है, जब हम हाई नेक करेंगे या अर्गला करेंगे तब बाहर तक हम शेप देना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं बाहर तक दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो नेक से और शोल्डर से नहीं हिलेगा ही हिलेगा, नहीं हिलेगा, क्योंकि ये जो हमारा बैक नेक है ना, ये बैक नेक हम एयर गला कर रहे हैं, इसे कटोरी एयर गला कटोरी कर रहे हैं, बहुत डिज़ाइन बना रहा है, इस डिज़ाइन मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, सीरियल में भी चल रहा है, इसलिए ये कटोरी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह हमने आपको एक शेप देना है, ठीक है, हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका जो चेस्ट लेंथ होता है ना वो हमको चाहिए अपने जाने, ठीक है। हम ऐसा एक ड्रॉ करेंगे, एक लाइन करेंगे इसे, ठीक है। तो इस लाइन करने के लिए हम क्या करेंगे इसे, तो जैसे कि मैंने बोला था जब शोल्डर जब बाहर चला जाता है, यानी कि क्लोज वाला फार्मूला इसमें हम इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये बाहर चला जा रहा है, यानी कि शोल्डर मैक्सिमम जा रहा है बाहर, तब हमको क्या करना है, इसको 1/4 तक बास्ट, 1/4 तक बास्ट, ये देखिए मैंने टेप को किस तरह पकड़ा है फ्रेंड, ये हम सीधा पकड़ेंगे इसे, ठीक है। ये देखिए ऐसे कोने सीम से नहीं छोड़ा है, हमें वॉश से मेजरमेंट हम लेंगे, यानी कि आपका 9.2 धागे, यानी कि आपका मेजरमेंट इसी तरह है, ये 9 और 1.2 धागे, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ये 9 एंड 1.2 धागे। तब हम क्या करेंगे, 1/4 ऑफ बास्ट यानी कि 9 × 2 माइनस 3 यानी कि 6 and 2, ठीक है। तो श्वेता जी अपने अपना आर्म होल का भी मेजरमेंट नहीं दिया है हमें,
तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेमोरी से कर रहा हूँ। आर्म होल का मेजरमेंट हमने नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है उसमें। तो ये देखिए हमने इसी तरह, आप अगर आपका आर्म होल पता है आपको कितना है तो मैं, हमें तो पता नहीं है तो आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आप आर्म होल आपका थोड़ा सा कम हो तो इसे कम करके इसी तरह देखना है, इसी तरह थोड़ा सा देखना है, इसी तरह शेप देकर देखना है ये कितना आता है, ठीक है। तो सपोज आपका 15 है, ठीक है, यानी कि 7.5 फ्रंट में 7.5 15 हो रहा है, मगर बैक में थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा, ठीक है। दो आप कर सकते हो नहीं कर सकते, उसमें से क्या होगा आपका थोड़ा सा ऊपर लेने से ही अच्छा होगा, ठीक है। हम ये फिक्स नहीं करेंगे, आप लोग जब चेस्ट लेंथ करेंगे, अगर किसी के पास ये फॉर्मूला है यानी कि आपका मेजरमेंट खुद का है आर्म होल का, तब इसी तरह से देखेंगे वो आ ही रहे, जो मेजरमेंट हमने लिया है वो आर्म होल का आ रहा है कि नहीं। तो जब देखे ये नहीं आ रहा है थोड़ा सा ऊपर कर देना, और आ रहा है मगर छोटा हो रहा है थोड़ा सा नीचे कर देना, यानी कि जब हम इसे 1/4 का बास्ट माइनस करेंगे ये छोटा हो जाएगा, और जब माइनस कम करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ये लॉजिक है फ्रेंड, इसके और अलग से कोई टेक्निक नहीं होता है। तो हम तो यह में तो क्या करेंगे फ्रेंड, हम -3 कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो क्योंकि ये हाफ इंच शेप रहता है, छोटा जी अपने आपका मेजरमेंट देख लेंगे और तो ये देखिए हमने जब हमारा जो चेस्ट लेंथ था वो हमने क्या लिया है देखिए, हमने उसी तरह से अपना शोल्डर तक टेप कुछ रखा और इसमें 6 and 2 धागे लिया है, ठीक है, 3 माइनस किया है, और उससे शेप देने के बाद क्या आ रहा है ये देखिए, मैं इसे दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखिए 7.5 आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं फ्रेंड ये पैटर्न कर रहा हूँ, पैटर्न का मतलब होता है जो पैटर्न हम बना के रखते हैं और उसे दोबारा हम करके उसे कटिंग करते हैं। तो ये देखिए हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा, तो ये कपड़ा आप नहीं लेंगे जब ऑर्डर ही काम करेंगे, यानी कि इसमें ज़्यादा रहेगा तो ये हम बाद में दिखाएंगे हम किस तरीके से वो करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अगर कपड़ा में करेंगे आप तो 1/4 आप बास्ट आप लेंगे और थोड़ा सा ये हाफ इंच वाला सीम सबको नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूशन हो मन में तो वो दूर कर दीजिए थोड़ा सा। तो ये आपको क्या करना है, 1/4 आप बास्ट प्लस 2 धागे आपको लेना है, ये देखिए इसी तरह 2 धागे लेना है आपको, ठीक है। ये एक धागे और ये एक धागे होता है, ये 2 धागे आपको मेजरमेंट लेना है। और मैंने तो पैटर्न बना रहा हूँ जिसमें से जनरली अगर कोई भी स्टिच करे तो वही मेजरमेंट आ जाए, क्यों आ जाएगा, ये हाफ इंच मैंने हमेशा पैटर्न में एक्स्ट्रा रखता हूँ ये।